फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आईटा अवार्ड जो कि आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, 3.5 TBR उनको रेट मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि आई एम वेरी हैप्पी एंड लार्ज ऑडियंस हु लव्स इट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो लोग ही है देखते हैं एंड reaches out to a larger audience is where we have a larger viewership, and that is what makes the awards so loved and popular with the viewer. जैसे कि बहुत बड़े जो अवार्ड्स फंक्शन रहते हैं, जैसे फिल्म फेयर हो और भी अवार्ड्स है, जो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है आईटा ने, ये बहुत बड़ा सक्सेस माना जा सकता है, क्योंकि सी आई टेल यू व्हाट, सबसे बड़ी जो अवार्ड है उसकी रेटिंग थी 0.7, नाम नहीं लेंगे, 0.7 के बाद सीधा आईटी है 3.5, तो अब आपने अंदाज़ा लगा लो कि बिग और व्हाट रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो है. एंड आई टी ए वेरी सोन, मेरी एम ये है कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड. यू हैव ऑस्कर्स, यू हैव एमीज एंड आई टी ए, सेम ब्रेथ में बोला जाएगा, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या होता है ना कि टेलीविजन रीचेज आउट टू पीपल दुनिया में, मतलब हर एक कोने में, हर एक सिटी में देर आर पीपल वॉचिंग इंडियन टेलीविजन. नॉट ओनली इंडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस हमारी मैसिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो हम लोग को जो टी वी पर दिखता है वहाँ दिखता है, सारे लोग नहीं जाके देख सकते बड़ी फिल्म्स एंड बड़े शोज एंड OTT, बट ये देख सकते हैं. सो आई थिंक दैट इटसेल्फ मींस के टेलीविजन इज डेफिनेटली बीइंग वॉच्ड बाय अ लार्जर ऑडियंस वर्ल्ड वाइड एंड इंडियन टेलीविजन इज सेकंड टू नन. जैसे कि जब आप लोगों ने शुरुआत किया था आईटा अवार्ड का, तो आप क्या कुछ आपका परसेप्शन था कि हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इसे लेकर जाएंगे, और फाइनली वो सक्सेसफुल है और कंटिन्यूटी भी उसकी बरकरार है? सच्ची बात है, जब शुरू किया था तब शुरू ही किया था, तब आई रिमेम्बर सब मुझे कह रहे थे कि कोई टीवी एक्टर कौन है, क्यों परफॉर्म करें, कौन देखेगा, बट यू नो इट वॉज द बिलीफ कि यस टेलीविजन इज गोइंग टू बी देयर. सो आई रिमेम्बर विद फुल एनर्जी ये करेंगे और ये होएगा, एंड टुडे इट्स फॉर यू टू सी. और इतना बड़ा अवार्ड को सक्सेस बनाना, इतने सारे टेलीविजन के साथ ही बॉलीवुड आर्टिस्ट भी आते हैं, जैसे अब की भी आईटा में देखा गया रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन और सारे टेलीविजन के एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, तो इतने बड़े अवार्ड को कैसे मैनेज करना, क्या कुछ आपका प्लानिंग रहता है इसके बारे में? टेल यू द ट्रूथ, मैनेज क्या है, उनकी बिलीफ है हमारे में, क्योंकि ईयर ऑन ईयर दे नो कि दिस इज हाउ द अवार्ड्स आर, एंट्रीज उधर से आती, नॉमिनेशन आती फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज, चैनल नेटवर्क एक्सेट्रा. सो एंड देन हमारी पॉपुलर अवार्ड्स हैं, सो एवरीबडी अगर आप देखें हर शो में द टॉप 5 नॉमिनीज आर सब वहाँ बैठे होते. आर इंडस्ट्री बिलीव्स इन सपोर्टिंग देयर कोलीग्स, सो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन फॉर अस. तो आगे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा लोगों को अवार्ड से रिलेटेड, क्योंकि आजकल जनरेशन भी बहुत चेंज हो गई है, अवार्ड फंक्शन भी थोड़े बहुत चेंज हो गए, आपका ऐसा कुछ प्लानिंग है कुछ नया लाने का? सी वो डिपेंड ऑन द टाइम, जब भी कुछ नया आता है वी गो विद दैट, वी चेंज, वी ऐड कैटेगरीज, वी माइनस. जैसे OTT कहीं नहीं था, 2019 में शुरू किया था तब 5 शोज थे, इस साल 197 OTT शोज की एंट्री आई है. सो इमेजिन कितने नॉमिनेटेड थे शोज. सो द इंडस्ट्री ग्रोज, सो एज इट कीप्स ग्रोइंग वी आर देयर विद देम, वी विल इंश्योर कि दे ऑलरेडी, हमारा तो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है. अगर आज हम पॉपुलर अवार्ड करना चाहें, हमारे पास सब अपडेटेड है अप टिल टुडे, हमारा डेली अपडेट होता है, नया शोज क्या हो रहे हैं, नए एक्टर्स कौन आ रहे हैं, नए प्रोग्राम्स क्या आ रहे हैं, वी अपडेट एवरी डे, सो वी आर रेडी. तो अवार्ड अपार्ट फ्रॉम अवार्ड, आप ऐसा कुछ शो या फिर ऐसा कुछ शुरू करने वाले हैं? सी नहीं, 20 साल के लिए आई हैव डन द वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स, 20 इयर्स आई हैव डन इन इंडिया एंड अब्रॉड, फिर हमने 2020 मार्च को किया था, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स वी डिडंट डू, बट नाउ आई थिंक द टाइम हैज कम, सो एवरीबॉडी इज रेडी वंस अगेन. So, God willing, I will be at 21st year of our Women Awards very soon. Okay, ma'am. और कुछ अपने audience को कुछ message देना चाहेंगे, वो जो serial lover है, वो जो television. Keep watching TV and keep watching the IT Awards, and we promise to give you what you want. And be happy. Okay. Thank you. Thank you so much. Chai pilu? Yes. पी के बाद वो.
सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आईटा अवार्ड है जो कि आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और 3.5 BR उसको रेटिंग मिले, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदी में? एज यू विश। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी दर्शकों का जिन्होंने इतना प्यार और इतना विश्वास हमको दिखाया, और ये वाकई हिस्टोरिकल है कि पहली बार किसी भी इवेंट को, अवार्ड फंक्शन इवेंट को इतनी भरपूर TRP से नवाजा गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और साथ साथ ये बात ये भी दर्शाती है कि अगर जनता आपके अवार्ड में या आपके प्लेटफॉर्म में विश्वास रखती है तो उसके नतीजे हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े अवार्ड है फिल्मफेयर, जैसे बॉलीवुड अवार्ड है, उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है, ऐसा कहा जा सकता है अब लोग सीरियल की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, जाके बीच में थोड़ा सा रुक गया था ऐसा लग रहा था, लेकिन अब लोग सीरियल की तरफ फिर से जा रहे हैं। टेलीविजन और अभी OTT के आने के बाद ऑडियंस तो डिवाइड हुई है, एक OTT की टेलीविजन है, फिल्म्स की भी है डेफिनेट ऑडियंस, उसी तरह टेलीविजन की भी डेफिनेट ऑडियंस है, जिसके पास अभी जो हैं ऑप्शंस हैं वो OTT भी देख सकती है, फिल्म भी देख सकती है, लेकिन कोर जो हिंदुस्तान की जनता है अधिकतम वो औरतें और महिलाएं और बच्चे हैं जो घर में रात दिन रात टेलीविज़न देखते हैं, और वो हमेशा रहेंगे बिकॉज हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इसी तरह का है कि महिलाएं घर पे रहती हैं, काम करती हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं, या हाउसवाइफ अगर नहीं भी होती, काम भी अगर करके आती हैं तो शाम को उनके लिए एंटरटेनमेंट का माध्यम सबसे बड़ा टेलीविज़न है, इसीलिए ही टेलीविज़न में नारियों का स्थान जो है वो बहुत बड़ा है, देखने के लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो। तो मुझे खुशी है कि इस बार भी हमने एक नारी शक्ति के ऊपर एक एक्ट किया जो बहुत सराहा गया, और पूरे देश की महिलाओं ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, उस टाइम पे उसकी TRP बहुत हाई थी। जैसे कि आपने जब आईटा अवार्ड शुरू किए थे शुरुआती दौर में, तो क्या आपका परसेप्शन था, उसको कंटिन्यूटी यू ही बरकरार रखना इतने सालों से, हर साल आईटा अवार्ड हमें देखने को मिलता है, लोग उसका वेट करते, तो इतने साल से कंटिन्यूटी बरकरार रखना ये इजी टास्क नहीं होता है, तो आपने कैसे किया? नहीं, ये हमारा विश्वास था, हमारा सबसे पहली बात यही थी कि प्लेटफॉर्म अगर हम बनाएं तो वो तो एक तो शुद्ध प्लेटफॉर्म हो, वो टेलीविज़न का हो, ये नहीं कि उसमें फिल्म वाला भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है। इसलिए अगर आपने देखा हो कि पहले साल से सारे देश के मशहूर फिल्म स्टार्स हमारे अवार्ड्स में आते थे, लेकिन हमने उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि वो आके हमारे टेलीविज़न के कलाकारों को अवार्ड दे सकें, उनका उत्साह बढ़ा सकें, और कई बार हमारे को कई चैनल्स ने कहा भी कि आप XYZ फिल्म स्टार को लेके कीजिए, एक्ट बनता है, लेकिन हमारा विश्वास था कि टेलीविज़न जो है उसकी एक अपनी पहचान और उसकी एक अपनी जड़ अलग से होनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुश्किल था वो कन्विंस करना लोगों को, बिकॉज हर तरह के पुश एंड पुल थे, लेकिन हम वी स्टक टू दैट, एंड आई थिंक वही एक विश्वास आज लोग हमें हमारे प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं कि ये लोग जो हैं 23 साल से सिर्फ टेलीविज़न का अवार्ड करते हैं, लेकिन फिल्म वाले सारे भरपूर होते हैं उसमें, और वो आके उनको बहुत उत्साह से अवार्ड देते हैं और खुश होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो हमारा टैलेंट टेलीविज़न का है उसको रिकग्निशन मिले, आई थिंक उसी का फल है। इस बार भी अवार्ड में देखा गया था रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी आए थे और टेलीविज़न वालों को सपोर्ट किए थे, वो लोग को अवार्ड दिए थे। जी, यही एक हमारी मंशा हमेशा से रही, हमारे तो पहली बार भी जब सबसे पहला अवार्ड था उसमें भी दत्त साहब, सुनील दत्त साहब थे उसमें, शत्रुघ्न सिन्हा थे उसके अंदर, माधुरी दीक्षित थी, रवीना टंडन थी, नम्रता शिरोडकर थी, अजय देवगन था, भरपूर कलाकार, मतलब मुझे अभी याद भी नहीं बहुत सारे, लेकिन जैकी श्रॉफ, बहुत सारे, शबाना जी, जावेद साहब, तो हमेशा से हमारे अवार्ड्स के अंदर बेहतरीन लोग फिल्म और टेलीविज़न के और अब तो OTT के भी इकट्ठा होते हैं, और ये एक तरह से एक सालाना कुंभ का मेला है,
जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जिसमें सब लोग एक छत के नीचे होते हैं और लोगों को बहुत मज़ा आता है सबको एक साथ देख के। जैसा आपने कहा ये कुंभ का मेला है, जैसे लोग साल में एक बार कुंभ के मेले का इंतज़ार करते हैं, वैसे आईटा अवार्ड का भी लोग इंतज़ार जी करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे हमारा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेलीविज़न का, एक इकलौता अवार्ड है जिसके अंदर सभी चैनल के सभी फेसेस जो हैं वो एक साथ आपको दिखाई देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इनाम पाते हैं। तो और कुछ क्या कुछ अभी जैसे कि जनरेशन बदल रहा है तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि अवार्ड फंक्शन में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए कुछ ऐसा न्यू? आप देखिए जनरेशन के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है। जैसे 4-5 साल पहले OTT जो है उभर के आया, एक ऑल्टरनेट उभर के आया जिसको आप नकार नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि 4-5 साल से हमने धीरे धीरे टेलीविजन, पहले कुछ 10-12 अवार्ड थे, अब OTT के भी कम से कम 30 अवार्ड हो गए हैं। शायद एक दिन ऐसा है कि हमें एक अलग शाम करनी पड़े OTT की। तो एज सोसाइटी चेंजेस, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, एज व्यूअरशिप चेंजेस, वी हैव टू गो बाय दैट। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जैसा आपने बोला कि 20-25 अवार्ड OTT के भी आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा रूमर फैलता है कि कई सारे अवार्ड, बड़े अवार्ड की बात नहीं, कई सारे अवार्ड ऐसे भी होते हैं आर्टिस्ट को पैसा देकर बुलाया जाता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? इससे कहीं ना कहीं जैसे आपका अवार्ड है या फिर बड़े अवार्ड है इसका भी नाम कहीं ना कहीं इसमें जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये चॉइस है हमारी, तो आप सब लोगों की अपनी एक चॉइस होती है। आपकी अगर चॉइस ये है कि आपको सिर्फ इससे पैसा कमाना है तो लोग कमाते हैं उससे कि पैसा दे के लोग बुलाइए और फिर आप एक इवेंट बना देते हैं, उसे एक तमाशा बना के आप प्रस्तुत करते हैं, या आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी ज़रूरत है आपको या जो आने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ तो हमने ये पूरा ठान लिया था कि कोई भी प्रेशर हो हम गलत आदमी को अवार्ड नहीं देंगे। और हमारा जो प्रोसेस है वो इतना ट्रांसपेरेंट है जिसमें हमारा एज IT की भूमिका है ही नहीं। एक तरफ जूरी अवार्ड है जिसमें देश के बेहतरीन लोग उसके जूरी के सदस्य होते हैं, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी है उनकी, ऑडिट है उसका। दूसरी तरफ पॉपुलर अवार्ड है, पॉपुलर अवार्ड वेबसाइट पर होता है, लोग वोट देते हैं, उसका एक वोट मीटर लगा हुआ है, किसको कितने वोट रोज़ आते हैं वो रोज़ दिखाई देते हैं, सबको मालूम होता है इसके ज़्यादा आ रहे हैं इसके कम आ रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट मेथड है, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार जो हम चाहते हैं वही हो रहा है वहाँ पे, ना कि ये जो क्या चाहते हैं या इनका क्या एजेंडा है। तो ये हमारी चॉइस थी कि हमें अगर अवार्ड बनाना है तो सिर्फ ऐसा ही बनाएंगे, और उसके लिए हमने बहुत तकलीफ़ों का सामना करते हैं और करते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ये पावर स्ट्रगल, ये पुश, ये चलता रहता है। लेकिन ये एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट है हमारा और ये हमारा एक प्रण भी है, हमें ये हमारे लिए इवेंट नहीं है। हम जब भी कोई ये कहता है अरे आपका इवेंट, मैंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए, ये इवेंट है आपके लिए इवेंट होगा, मेरे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, ये मेरे दिल के नज़दीक है। मैं और अन्नू बहुत साल भर बहुत मेहनत करते हैं और साल भर करते हैं हम, ये नहीं होता कि इवेंट ख़त्म हो गया तो बात गई। जो लोग, जो 10-12 लाख लोग जो हमारे फेसबुक पेजेस पे आते हैं वो लगातार हमसे वार्तालाप करते हैं, अपनी बातें करते हैं, वेबसाइट पे रिएक्ट करते हैं, हम भी उनके साथ रखते हैं ये लगाव पूरे पूरे साल रखते हैं। इसीलिए लगता है कि इतने सारे लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट करते हैं और वो वोट की वजह से और ये जुड़ाव की वजह से TRPs को भी बहुत फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ मुझे लगता है जो TRP में जिसने हमारी मदद की वो ये कि ये जो पैन इंडिया थॉट हम लेके आए हैं इसके अंदर, अवार्ड के अंदर, जहाँ गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, हर स्टेट के रंग को, उसकी कला को, उसके कलाकारों को हम इस मंच पे लेकर आए हैं, तो जो गांव खेड़े में भी जो लोग बैठे होते हैं उनको भी लगता है कि यार ये हमारे लिए भी कुछ है इसमें, ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए या चमक धमक के वाले लोगों के लिए नहीं है, हम जो हैं जो चीज़ें हमें पसंद हैं उस तरह का भी मनोरंजन इसमें मिलता है। आई थिंक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारी TRP के अंदर।
तो जैसे कि बोला आपने पैन इंडिया है, तो इतने बड़े अवार्ड को ऑर्गेनाइज करना, एक्टर एक्ट्रेस को मैनेज करना, पूरा जो प्लानिंग रहता है वो मैनेज करना, उसमें क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या कुछ चैलेंजिंग लगता है? ये अब तो चैलेंज तो हर बार होता है, हमें तो हर बार ऐसा लगता है कि हमारा पहली बार है, वही नर्वसनेस होती है, वही एंग्जाइटी होती है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी टीम का कि वो 6 महीने पहले से ये सारी तैयारियाँ शुरू करते हैं, और हर चीज़ का एक प्रोसेस है, जूरी का एक प्रोसेस है, ये है, इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड प्रोसेस टिल द टाइम अवार्ड्स हैपन, तो उसको हम फॉलो करते हैं। और हमने चूँकि दिल से इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम किया है, और हम पार्ट रहे हैं और हैं अभी भी उस इंडस्ट्री के पार्ट, तो ये एक बड़े परिवार जैसी मुझे फीलिंग आती है कई बार। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन कई बार जिस तरह से मुझे प्रेम लोग दिखाते हैं और मुझे एक इज्जत देते हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई मैंने कुछ कमाया है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि लोग एक श्रद्धा और एक प्यार दिखाते हैं। जैसे कि आप इसके साथ ही आप फिल्मों को भी प्रोड्यूस करते हैं, और आपका अभी भी बहुत सारी मूवीज आए जो हिट भी साबित हुई जिसे आपने प्रोड्यूस किया, तो आगे कुछ प्लानिंग है या फिर टेलीविजन से रिलेटेड या फिर आपके क्या कुछ अपकमिंग? जी, मैं इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द रोशंस। ये डॉक्यूमेंट्री हिंदुस्तान के 75 वर्षों के म्यूज़िक और फिल्मों की कहानी है, जो रोशन जो बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थे वहाँ से शुरू होती है, उनके बाद उनके लड़के राकेश रोशन, राजेश रोशन, और फिर उनकी थर्ड जनरेशन ऋतिक रोशन पे जाके ख़त्म होती है। तो मैं इस वक्त उसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, और मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही आत्मीयता का वो है अब मोमेंट है ये, बिकॉज मुझे म्यूज़िक से और हमारी जो जड़ें हैं फिल्म इंडस्ट्री की, जो हमारा जो सिविलाइजेशनल सिनेमा रहा है उससे बहुत लगाव है, और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। मेरे ख्याल में एक सिर्फ रोमांटिक्स जो यश जी के ऊपर बनी, उसको छोड़ के कोई ऐसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन इस देश में नहीं है, जो हमारे कलाकारों को, हमारे राइटर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को सेलिब्रेट करे। कैन यू इमेजिन कि हमारे देश में महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया बनाई उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, के आसिफ जिन्होंने मुगले आज़म बनाई उनके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, गुरुदत्त साहब के बारे में कुछ नहीं है, एज लेट एज राज कपूर साहब के बारे में भी सिर्फ एक सिमी की एक डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री है, उनके बारे नहीं है, रफ़ी साहब पे नहीं है, लता जी पे नहीं है, राजेश खन्ना पे नहीं है। तो ये आई थिंक बहुत ही इट्स अ सैड थिंग, क्योंकि अगर आने वाली जनरेशन्स इन सभी ग्रेट्स के बारे में, चाहे वो सिनेमा की जनरेशन रही हो या सिर्फ फिल्म गोइंग जनरेशन हो, अगर वो कुछ जानना चाहती हैं इनके बारे में, तो सिर्फ कुछ किताबों के, ऑडियो विजुअल में कुछ नहीं है। और आप जैसे जानते हैं कि आजकल रीडिंग की हैबिट्स यंग जनरेशन में रही नहीं, किताबें पढ़ता नहीं है कोई, किताबें मिलती भी नहीं है आजकल। तो इतना बड़ा देश जो इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, इतनी ज़्यादा फिल्में बनाता है, उसके इतिहास के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी इस तरह का काम अगर मैं कर पाऊँ और मुनासिब हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे इसके करने में जो आनंद मिलता है शायद उतना किसी और चीज़ में नहीं मिलता। ये आपने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया सर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज जो ज़रूरी है, जो पुराने ज़माने के सिंगर्स और एक्टर एक्ट्रेस थे, लोग अभी के जनरेशन वाले लोग उसे जान सके। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, ये OTT प्लेटफॉर्म पे जाएगा या फिर कहाँ कुछ क्या है? जी, OTT प्लेटफॉर्म पे ही जाएगा ये, बिकॉज वही एक माध्यम है। अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का या डॉक्यूमेंट्रीज का कोई वो है ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं है। किसी ज़माने में पब्लिक रिलेशन की या गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी फिल्में शुरू होने से पहले, उसे भी बंद हुए, सालों साल हो गए।
अगर किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर, मैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लता जी से मिलता था उनके देहांत से पहले, और मेरी बड़ी कोशिश रही कि मैं किसी तरह से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। तो मैं हमेशा उनसे हंस के कहता था कि लता जी, अगर आप किसी और देश में पैदा हुई होती तो अब तक कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज़ में आप पे रिसर्च हो रही होती। बहुत हंसती थी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप जैसा फिनोमेनन कुछ हज़ारों साल में एक बार होता है ये आवाज़। और मैंने कहा कि अगर आप नहीं रहेंगी तो 70 साल की म्यूज़िकल हिस्ट्री को कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हुसैन लाल भगत राम से भी पहले से लेकर और वो रहमान तक और उसके बाद तक लता जी ने सबके साथ काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो कर नहीं पाए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, बिकॉज ऐसी शख्सियत, ऐसी आवाज़, और वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो एक इतिहास है, वो इतिहास उन्हीं के साथ चला गया। मुझे याद है कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी कि जिसका भी किस्सा सुनाती थी उसको मिमिक करके बताती थी, और हम हंसते थे। मैंने कहा आप इतना उनको हर चीज़ याद रहती, मैं एक बार राज कपूर से मिली, ऐसा हुआ, उससे मिली, नरगिस से मिली, हर चीज़ याद थी उनको। कितने उनके साथ अगर आप 2 घंटे बैठते थे तो 2 घंटे में उनको 10 किस्से उनको याद आते थे। एंड शी यूज़ टू एक्ट इट आउट सो वेल बिकॉज शी वॉज अ परफॉर्मर। बट या अनफॉर्चुनेटली शी इज़ गॉन एंड देर इज़ नोबडी टू टेल दैट स्टोरी। मैं जो बता रहा हूँ उसमें वो दम नहीं, जो जो बताती किससे तो उसकी बात ही कुछ और होती थी। तो यही सब मैं देखते हुए मैंने ये निश्चय किया कि ये रोशन साहब पे मैं ये डॉक्यूमेंट्री करूँ, और रोशन के साथ उनकी जो 3 जनरेशन है और जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर द पीरियड 75 साल में रही है, उसको लोगों तक लेके आऊँ, जिसमें सिनेमा भी है, जिसमें परफॉर्मेंस भी है, जिसमें डायरेक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, सब है। लता जी के बारे में बातें सुन रहे हो, बहुत अच्छा लगा सर। इवन मैं उनको पर्सनली नहीं देखी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अभी देख रही हूँ उनको, ये सब सोच सोच के। जी हमारा भी बहुत, मतलब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा अभाव है, कितना बड़ा अभाव है। वो मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने जो बातें हमको उस वक्त बताई थी ABCD म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में, गाना कैसे गाती थी, जुबान कैसे सीखी उन्होंने, इतनी अच्छी उर्दू बोलती थी, उर्दू सीखी उन्होंने, महाराष्ट्रियन थी, नुक्ते नहीं आते थे, तो एक पूरा इतिहास जो है वो चला गया। आपके पास है ही नहीं वो इतिहास। तो याद लास्टली सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी जो टेलीविजन ऑडियंस है, जो इतना सक्सेसफुल अवार्ड फंक्शंस को बना रही है? मैं सभी से बस यही आशीर्वाद चाहूँगा कि आप जिस तरह से अपना प्यार और अपना विश्वास सालों से हमें देते आ रहे हैं, उसे आगे भी देते रहिए। हम ये प्रण लेते हैं कि आपको उतना ही आनंद, उतना ही विश्वास और उतना ही प्यार हम वापस देंगे। आप भरोसा रखें हम पे।